आप सभी ने पाइनएप्पल तो खाया ही होगा। पाइनएप्पल के फायदों से आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन पाइनएप्पल खाने से एक गजब का नुकसान भी होता है। दरअसल जब आप पाइनएप्पल के टुकड़े को अपने मुंह में ज़्यादा देर तक रखते हैं तो ये फल मुंह के टिशू या जीभ को गलाने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फल में ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम होता है जो जीभ के ऊपर के प्रोटेक्टिव म्यूकस को गला देता है और हमें स्टिंगिंग सेंसेशन फील होती है। बटरफ्लाई सभी को पसंद है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बटरफ्लाई को पकड़ते हैं तब हमारी उंगलियों पे पाउडर टाइप का कुछ लग जाता है? दरअसल तितली के पंख बड़ी महीन झिल्लियों से बनी होती है। इन झिल्लियों के ऊपर पपड़ी जमी होती है। जब हम बटरफ्लाई को पकड़ते हैं तो ये पपड़ियाँ हमारी उंगलियों पे चिपक जाती हैं जो पाउडर जैसी दिखती है। वो कहावत तो सभी ने सुनी होगी कि एक सड़ा हुआ फल पूरे टोकरी के फलों को सड़ा देता है। दरअसल इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। सड़े हुए फलों से एक गैस एथिलीन निकलती है। वास्तव में पके हुए फल की तुलना में सड़े हुए फल से ज़्यादा मात्रा में ये गैस निकलती है। जैसे ही इस गैस के संपर्क में दूसरे फल और सब्जियां आती हैं वो भी सड़ने लगते हैं। तिल या मस्सा चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन ये होते क्यों हैं? दरअसल हमारे स्किन का रंग शरीर में उपस्थित मेलानिन ग्लैंड्स पर निर्भर करता है। गोरे स्किन में मेलानिन सेल्स कम और ब्लैक या सांवले स्किन में ज़्यादा पाए जाते हैं। कभी कभी ये मेलानिन सेल्स एक जगह जमा हो जाते हैं। इस स्किन का वो जगह कुछ ज़्यादा ही काला हो जाता है जिसे हम तिल कहते हैं। आपने हमेशा 100, 500 या 2000 के नोटों के साइड में ब्लैक इंक से लाइन खींची देखी होंगी। दरअसल ये लाइंस को ब्लीड मार्क्स कहते हैं। ये मार्क्स ब्लाइंड या अंधे लोगों के लिए होते हैं ताकि वो पहचान सकें कि कितने रुपए का नोट है। ब्लीड मार्क्स इंटेलियो इंक से बने होते हैं और छूने पे ये नोट उभरे हुए फील होंगे। 500 के नोट पे 5 ब्लीड मार्क्स होते हैं और इसी तरह 100, 200, 500 के नोटों पे भी ब्लीड मार्क्स होते हैं। आप गिन के कमेंट में बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।